आदेश आदेश माँ काली को आदेश, भैरव बाबा को आदेश, सुकर्णी दुखर्णी माँ बूढ़ भवानी को आदेश, हमारे सभी प्रिय साधक गण व शिष्य व मनुष्य साधारण को हृदय से प्रेम ऊर्जा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ कि आपने ऊर्जा को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया होगा। आपका एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमें उत्साह से भर देता है ऐसी ही ज्ञानवर्धक और जानकारी देने वाली वीडियोस बनाने के लिए। तो आने वाली महाशिवरात्रि में एक शिव साधना लेकर आए हैं आप लोगों के लिए, जिसे मनुष्य साधारण से लेकर साधक भी बड़ी ही सरलता से कर सकते हैं। और ये हमारे केंद्र की गारंटी है कि इस साधना को यदि आप सही सामग्री व सही मंत्रों के प्रयोग से करते हैं तो ये साधना आपके जीवन में चमत्कार अवश्य लेकर आएगी। और जो आपके रुके हुए काम हैं, किसी भी प्रकार से रिलेट करते हुए काम हैं, वो पूरे होंगे। तो इस सामग्री में मैं आपको साधना में लगने वाली सामग्री बता देती हूँ। बहुत ही कोई बहुत बड़ी सामग्रियों का प्रयोग इसमें नहीं किया गया है। सामग्री में आप पाट लेना है, लकड़ी की चौकी जिसे कहते हैं, उस पाट के ऊपर बिछाने के लिए सफ़ेद कपड़ा, भांग या भांग का पाउडर, शिव जी का आप कोई भी तस्वीर फोटो ले लीजिए या शिव जी की पिंडी यदि मिलती है तो वो बहुत ही अच्छा होगा। और यदि आप पिंड नहीं ले पाते हैं, शिव पिंडी नहीं मिलती है आपको, तो आप शिव जी का कोई भी छोटा सा फोटो भी प्रयोग कर सकते हैं। अष्टगंध पाउडर आपको चाहिए, जिसमें 8 प्रकार के गंधों का प्रयोग किया जाता है। और अनार की कलम, जी हाँ, ध्यान से सुनिए, अनार की कलम चाहिए, विल्व पत्र के पत्ते चाहिए, दही, शक्कर। इसके अलावा आपको धूप दीप नैवेद्य मिठाई जो आप चढ़ा सकते हैं अपनी सामर्थ्य अनुसार आप चढ़ा दीजिए। तो जब आप अनार के पेड़ से अनार की कलम लें तो एक दिन पहले उस अनार की कलम को न्योता देकर कि हे वृक्ष महाराज, मैं आपके छोर में से एक टहनी ले रहा हूँ अपने इस प्रयोग के लिए। और विल्व पत्र के पत्ते तोड़ते समय भी यदि एक दिन पहले संभव ना हो तो जिस समय आप पत्ते या अनार की कलम ले रहे हैं वृक्ष में से, तो उसे हाथ जोड़कर निमंत्रण दें अपने घर आने का, अपने प्रयोग के बारे में बताएं और लेकर आ जाएं। अब वीडियो में आगे पढ़ने से पहले ऊर्जा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। और यदि आप किसी भी प्रकार की समस्या से ग्रसित हैं, पारलौकिक समस्याओं से, गृहस्थ जीवन से, या अपने ऑफिस या कार्यों से परेशान हैं, तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। धीरे धीरे हमसे बहुत लोग जुड़ रहे हैं और सभी की समस्याएं भी धीरे धीरे कट रही हैं। कुछ समय बाद हम उनकी ऑडियो या वीडियो जो भी संभव हो पाता है हम अपने चैनल पर डालेंगे। तो ठीक है, वीडियो शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो आपको किस प्रकार इस प्रयोग को करना है, आप पाट ले लीजिए जिसके ऊपर आप सफ़ेद कपड़ा बिछाएंगे, और सफ़ेद कपड़े के ऊपर आप किसी भी पीतल या स्टील की थाली के ऊपर शिव जी का फोटो या शिव जी की पिंडी को स्थापित करेंगे और उनका पंचोपचार पूजन देंगे। अब पंचोपचार पूजन में आप उन्हें स्नान कराएंगे, वस्त्र देंगे, चंदन अक्षत भेंट करेंगे। उसके पश्चात जो शिव पिंडी है आपको इसे दही शर्करा से स्नान कराना है। पिंडी छोटी है तो आप चम्मच की सहायता से दही में शक्कर घुली करके आप शिव जी को चंदनम समर्पयामि, घृतम समर्पयामि और दुग्धम समर्पयामि मंत्र का प्रयोग करके चढ़ा सकते हैं। ये सब चढ़ाने के पश्चात आप गंगा जल से शिव जी को स्नान कराएं। यदि आप फ्रेम्ड फोटो का प्रयोग करते हैं तो उस पर आप हल्के हल्के से छींटे मारें, जैसे दही से आप स्नान करा रहे हैं तो उसके छींटे मारें, तिलक है तो तिलक लगाइए। और छींटे मारने के बाद आप शुद्ध जल के, गंगा जल के छींटे मारिए और उसे साफ कपड़े से पोंछ दीजिए। तत्पश्चात आपको 108 विल्व पत्र लेने हैं,
क्षमा कीजिएगा, ये सामग्री मैं आपको पहले बताना भूल गई। तो आपको 108 विल्व पत्र लेने हैं और उस पर अनार की कलम से, ध्यान से सुनिए, उस पर अनार की कलम से जो आप अष्टगन चंदन लेकर आए हैं उसको गंगा जल में घोल कर एक गाढ़ा पेस्ट बना लीजिए और अनार की कलम को ब्लेड या चाकू की सहायता से नोक करके उस घुले हुए चंदन से विल्व पत्र पर ओम नमः शिवाय, पंचाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय, उन 108 विल्व पत्रों पर आपको लिख देना है। लिखने के पश्चात जब आपकी पूजन की पूरी प्रक्रिया समाप्त हो जाती है, आप स्नान करा लेते हैं, वस्त्र चढ़ा देते हैं, शिव जी को भांग समर्पित कर देते हैं, उसके पश्चात आपको इन 108 विल्व पत्रों को शिव जी के ऊपर ओम नमः शिवाय एक पत्ता रखिए, ओम नमः शिवाय दूसरा पत्ता रखिए और ये आपको जो विल्व पत्र का चिकना वाला भाग है उस पर आपको ओम नमः शिवाय लिखना है। जब आप शिव जी को 108 बार विल्व पत्र अर्पित कर देते हैं तत्पश्चात आपको अपनी मनोकामना बोलनी है और अपनी मनोकामना को 3 विल्व पत्र पर, ध्यान से सुनिए, आपको अपनी मनोकामना को अंत के 3 विल्व पत्र पर बोलकर ओम नमः शिवाय बोलकर कि हे शिव प्रभु मैंने अपनी इच्छा इन 3 विल्व पत्रों पर लिख दी है, अब मैं आपको इसे समर्पित करता हूँ, आप इसे पूर्ण करिए, और अंत के 3 विल्व पत्र पर अपनी इच्छा लिखकर शिव जी को चढ़ा देना है। तो इस प्रकार आप देखेंगे इस साधना के मात्र 15 दिन के भीतर ही आपको अपने कार्य में सफलता मिलने लगेगी और चमत्कारिक रूप से आपके जीवन में परिवर्तन आएगा। और इस साधना को करने के बाद शिव जी का पूरा पूरा आशीर्वाद आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा। तो आशा करती हूँ इस वीडियो में आपको ज्ञान मिला होगा और यदि आप चाहते हैं कि हम साधना क्षेत्र से संबंधित अलग अलग विषयों पर वीडियो बनाएं तो कमेंट जरूर करिए। आप लोग वीडियोस देख देख कर जा रहे हैं परंतु ना आप कमेंट करते हैं, ना शेयर कर रहे हैं वीडियो को, ना चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं। हम इतनी मेहनत से रात रात भर जाकर आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे हैं पर आप लोग का भी हमें साथ और सपोर्ट की ज़रूरत है। आज की वीडियो में इतना ही। आशा करती हूँ आप सभी सुखी आनंद से रहे और ये हमारा ऊर्जा सेंटर का परिवार दिनों दिन तरक्की करे बढ़े। आप भी हमारे साथ तरक्की करें और आगे बढ़े। आदेश आदेश।